नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ घर पर सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सुनीता यादव मैग्निजन अविरा सर स्कूल की तरफ से आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे अपना पाठ क्रमांक 14 जिसका नाम है दहाड़ नहीं पुकार। यानी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दहाड़ नहीं पुकार यानी कोई सहायता के लिए कार कर रहा है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पाठ में कौन कौन से कठिन शब्द यानी शब्दार्थ आए हैं। सूत्रधार, सूत्रधार का मतलब होता है नाटक का संचालन करने वाला। सरिस्का, सरिस्का क्या है बच्चों, अलवर में स्थित वन्य जीवों का संरक्षण स्थल। दूरबीन, दूरबीन होती है दूर तक देखने वाला यंत्र, यानी जिस यंत्र की सहायता से हम दूर की चीजों को पास करके देख सकते हैं। कर्मचारी, कर्मचारी का अर्थ होता है काम करने वाला। विभाग, विभाग होता है हिस्सा या भाग। प्रस्थान, प्रस्थान मतलब जाना। संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ। अब देखते हैं इस पाठ में क्या क्या आए हैं, पात्र कौन कौन से हैं इसमें। स्कूली बच्चे यानी स्कूल के जो बच्चे हैं वो इस पाठ में आए हुए पात्र हैं। हमारे कितने बच्चे हैं वो टोटल, कुल हमारे 15 बच्चे। ठीक है, अध्यापिका है यानी उनकी जो शिक्षिका है। उद्यान कर्मचारी यानी उद्यान का मतलब होता है बाग, यानी जो बाग में काम करने वाला है वो है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को पता होगा हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है ना। वैसे भी आजकल इनकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। तो देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है, इस पाठ में बताया गया है कि जो हमारी अध्यापिका है वो बच्चों को एक राष्ट्रीय पार्क में यानी राष्ट्रीय बाग में घुमाने के लिए ले जाने का विचार कर रही है। ठीक है, और आपस में बातें करते रहते हैं तभी फिर वह बच्चों को बताती है कि हम आप लोगों को कहीं घुमाने ले जा रहे हैं। कहाँ पे, एक राष्ट्रीय बाग में है ना, राष्ट्रीय पार्क में। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं, जैसे आप लोगों को कह देते हैं ना कहीं घूमने जाना है तो सभी बच्चे भी बड़े खुश होते हैं और तैयारियां करने लग जाते हैं। हाँ जी, उसी तरह सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, बड़ी ही उत्सुकता से करते हैं, हम बाग में क्या होगा, राष्ट्रीय पशु बाघ। सब बच्चे हैरान रहते हैं कि हमने तो इतनी पास से कभी बाघ को नहीं देखा, आज हमें बाघ देखने का यह सुनहरा अवसर प्रदान हो रहा है, हम अच्छे से देखेंगे और खूब सारी उसकी फोटो लेंगे। लेकिन साथ ही बच्चे ये भी सोचते हैं कि कहीं बाघ दूसरी तरफ अपना रास्ता बदलकर हम पे ही ना झपट पड़े, है ना। उन्हें डर भी लगता है, लेकिन फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम तो दूरबीन की सहायता से ही बाघ को देख लेंगे। यानी दूरबीन की सहायता से पास ही समझ जाते हैं कि हाँ, दूरबीन से दूर की चीजें नजदीक दिखाई देती है, तो दूरबीन से ही हम बाघ को देख लेंगे और लगेगा कि हम पास से देख रहे हैं। ये बातें करती है तभी उनकी अध्यापिका आती है और कहती है चलो बच्चों तैयारी करो, बस में अपना सामान रखो, आपकी बस आ गई है, हम चलते हैं, है ना। सभी बच्चे क्या करते हैं, अपना सामान बस में रखते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, सरिस्का यानी अलवर में स्थित जो वन्य जीवों का संरक्षण स्थल है वहाँ सरिस्का राष्ट्रीय बाग में पहुंच जाते हैं, है ना। वहां पे सबसे पहले उनकी अध्यापिका उनको बताती है कि बच्चों आपको बिना पूछे कहीं इधर उधर नहीं जाना, कहीं भी जंगली जानवर हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको बिना बताए कहीं नहीं जाना। सब बच्चे कहते हैं ठीक है। तभी उद्यान का जो कर्मचारी होता है वो आपके अध्यापिका को बताता है कि अभी बाघ के बाहर आने का टाइम नहीं हुआ है, यानी बाहर निकलने का समय नहीं हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद सभी बच्चे करते हैं कि मैडम हम तब तक एक कविता लिख
सभी बच्चे तैयार हो जाते हैं और वो क्या क्या लिखते हैं देखिए, बाघ की दहाड़ उसके आगे आने का संदेश है ना। जो बाघ की दहाड़ है यानी जब बाघ दहाड़ेगा तो समझ जाना कि बाघ के बाहर आने का समय हो गया है, यानी वह बाहर आ रहा है। बाघ है राष्ट्रीय पशु, यह तो जाने सारा देश। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, पूरा देश यह बात जानता है। संतरी उसका रंग, उस पर लकीरें मोटी काली, यानी उसका जो रंग होता है वह संतरी होता है और जो उस पर लाइनें लकीरें बनी होती है वो कैसी होती है, काले रंग की। जंगल के अंदर छिपे जहां हो लंबी झाड़ियां, यानी वह जंगल के अंदर छिपा हुआ बैठा रहता है, अपने शिकार के लिए छुपके बैठा हुआ होता है जहां पे बड़ी बड़ी झाड़ियां होती हैं। लंबा है भारी भरकम, जब दौड़े रुक जाए धड़कन, यानी वह बहुत लंबा और भारी भरकम है, जब वह दौड़ता है तो सबकी धड़कने रुक जाती है, यानी सबको डर लगता है। तेज भयानक हर दिल दहला दे, ताकत इतनी कि हाथी को गिरा दे, यानी वह इतनी तेज दौड़ता है कि वह एक हाथी को भी गिरा सकता है। एक अकेला करे शिकार, उसका जाए ना कोई खाली वार, यानी वह अकेला ही शिकार करता है और उसका जो वार होता है, प्रहार होता है, वो कभी खाली नहीं जाता। बैठा हो तो लगा लगे पूरा सरदार, यानी जब वह बैठ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बादशाह बैठा है। जहाँ जाए हो जय जयकार, यानी जहाँ भी वह जाता है उसकी जय जयकार होती है, जंगल का राजा भी होता है ना। हाँ जी, आगे देखिए। अगले दिन सुबह बच्चे उठते हैं और देखते हैं कि कुछ आवाजें आ रही होती है, सभी जाकर देखते हैं और कर्मचारी से पूछते हैं, जो उद्यान का कर्मचारी है, उद्यान में काम करने वाला है, उनसे पूछते हैं कि ये है आवाजें किसकी आ रही है, और उनकी जो अध्यापिका है वो भी पूछती है। तभी उद्यान का कर्मचारी बताता है कि कुछ शिकारी आए थे, उन्होंने बाघ पर प्रहार किया, उसे पकड़ने की कोशिश की और उसे घायल कर दिया। तभी बच्चे, मैं उनकी अध्यापिका होती है, वो बच्चों को कहती है कि आप सभी पहाड़ी के ऊपर चले। सभी बच्चे जैसे पहाड़ी पे जाते हैं तो उनको ना कुछ लोग होते हैं, उनकी बातें सुनाई देती है, और वो क्या बातें करते हैं कि इसको तो ज़्यादा चोट लगी हुई है, बहुत घायल हो चुका है, बहुत जख्मी है, इसे जल्द से जल्द पशु चिकित्सक के पास ले जाया जाए, यानी जो इलाज करने वाला होता है पशुओं का डॉक्टर, उसके पास जल्दी से जल्दी ले जाया जाए। बच्चे यह बात सुनकर अध्यापिका से पूछते हैं क्या हुआ, तब पता चलता है कि कुछ लोग आए थे जो बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने बाघ को पूरी तरह से जख्मी कर दिया। क्यों? क्योंकि वह चाहते थे कि हम बाघ को पकड़कर सर्कस ले जाएं, यानी उसे अपनी आय का साधन बनाना चाहते थे। सभी बच्चे सोचते हैं कि हमने बाघ को इस हालत में देखा, यह हमने सोचा नहीं था। फिर बच्चे भी बताते हैं कि मैडम हमने भी रात को कुछ आवाजें सुनी थी, मतलब पुकार सुनी थी, यानी शेर के बाघ के दहाड़ने की पुकार सुनी थी, यानी वह दहाड़ा नहीं था, सहायता के लिए पुकार थी उसकी, है ना। लेकिन हमें लगा कि कोई जानवर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सुबह उनको पता चला कि कोई बाघ का ही शिकार कर रहा था। बाघ बहुत ज्यादा जख्मी था और जो कर्मचारी थे वो उसे डंडे की सहायता से, लकड़ियों की सहायता से ले जा रहे थे, कहाँ पे, चिकित्सक के पास। कर्मचारी ने बताया कुछ लोग बाघ को अपनी कमाई का साधन बना लेते हैं, बाघ के जो शरीर के कुछ हिस्से होते हैं वह बहुत कीमती होते हैं, उसकी खाल दांत वगैरह जो होते हैं वो लाखों रुपए में बिकते हैं और इससे वह लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। घायल बाघ की देखरेख में बाकी साथियों की मदद करती है। चलिए, बाघ देखा, अब सब बच्चे क्या सोचते हैं, दुखी होते हैं और सोचते हैं बाघ तो देखा
लेकिन हमने सोचा नहीं था कि इतनी बुरी हालत में देखना पड़ेगा। अब सब बच्चे क्या करते हैं? सब बच्चे कहते हैं कि हम स्कूल वापस जाकर एक अभियान बनाएंगे और क्या करेंगे, जगह जगह जाकर हो सके जितनी व्यस्को संस्थाओं में अपना संदेश फैलाएंगे, है ना। तो सूत्रधार होते हैं, जो सूत्रधार है यानी जो स्कूली बच्चे हैं, अध्यापिका है, उद्यान कर्मचारी हैं, वो सभी उनका साथ देते हैं। सभी बच्चों ने ठान लिया था कि हम इस जख्मी बाग की पुकार को सुनेंगे और लोगों तक फैलाएंगे और उनको जागरूक करेंगे। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? स्कूली बच्चों को तो बड़ी अच्छी लगी थी। बाग की दहाड़ में प्रार्थना भरी पुकार थी, बच्चों ने दिल को, जो बच्चों का दिल था उसको छू गई थी, यानी बच्चों का दिल था वह बहुत नर्म था और उनको बहुत दुख हुआ कि हमने बाघ को इस हालत में देखा। सभी बच्चों ने फिर स्कूल जाकर एक अभियान शुरू करना शुरू किया, है ना। क्या ठीक किया उन्होंने? सोचिए कि आप होते तो क्या करते उनकी जगह, यही करते ना कि हमें बाघ की पुकार को खाली नहीं जाने देना, है ना। तो बच्चों, वैसे भी हमारे यहाँ पे बाघ की संख्या जो है लुप्त होती जा रही है और उन्होंने इस अभियान को बढ़ावा देने की सोची, है ना। ठीक है बच्चों, आज के हमारे बाघ दहाड़ नहीं पुकार में हमने आपको एक बाघ की कहानी बताई है और आप भी आशा करती हूँ कि अपनी पाठ्य पुस्तक से उसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है।